नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, ठीक है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भी आज हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे भी हिंदी को आसान कैसे समझा जाए। जैसे कोई भी पेपर आता है तो उसके व्याकरण ही पूछी जाती है, उससे फालतू का कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। आपके 10 नंबर का अगर आता है तो उसमें से 8-7-8 क्वेश्चन अगर आप 5-7-8 वीडियो भी देखते हो तो वहाँ से कवर हो जाएगा। एक वीडियो में 1 नंबर कवर मान लो आप, ठीक है ना। और 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है लास्ट, क्योंकि आप इसके अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको समझनी है, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, ये करवाते हैं वो करवाते हैं या करवाते हैं, परिभाषा हमें नहीं पूछी जाती, सीधा सीधा आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संज्ञा के बारे में, ठीक है ना। संज्ञा क्या है? जैसे आपने पद पढ़ा होगा, पद के 5 भेद होते हैं। पद के क्या है? पद, पद के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है ना। उसमें से एक संज्ञा आता है। अभी कोई भी वाक्य है उसके अंदर पद होते हैं, पद के भेद अलग अलग होते हैं, किसको संज्ञा कहते हैं, किसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, किसी को क्रिया कहते हैं, किसी को विशेषण कहते हैं, किसी को अव्यय कहते हैं, तो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा क्या है? देखो, हिंदी के बारे में इतना मैं ज्ञाता नहीं हूँ, हम आपको हिंदी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है, भी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे के सारे। बस आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, स्मार्ट स्टडी से मतलब है, तो इस चीज़ को पढ़ लो। बाकी तो लिखाते रहो लिखाते, पर्यावरण शब्द खत्म नहीं होते भाई 2-4-5 महीने तक तो, ठीक है। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, इन चीज़ों को आपको एक बार साइड में रख के आपको ध्यान देना है भी अर्थ क्या है और ये क्या कहना चाहता है और इसका आंसर कैसे बन सकता है, उस चीज़ को करना सीखो, ठीक है। बस क्योंकि सब्जेक्ट बहुत आपके पास। संज्ञा के बारे में जैसे स, समान, जानना, कलाण, दिकड़, ठीक है। तो यहाँ पर हम संज्ञा, संज्ञा क्या कहता है? एक तो कोई व्यक्ति के बारे में जो बताता है, किसी के नाम के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है, या बोधवाद नहीं पढ़े आप यहाँ पे, स्थान के बारे में बताता है, या किसी जाति के बारे में बताता है, या किसी भाव के बारे में बताता है, ठीक है। यानी वो पद जो किसका बोध करवा रहा है, यानी वो पद जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव का जो बोध कराता है या उसके बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस इतना समझो, ठीक है ना। व्यक्ति के बारे में जैसे मैं कह दूँ राम क्या है? एक व्यक्ति है। वस्तु जैसे मैं कह दूँ पेन वस्तु, ये क्या है? संज्ञा है। स्थान मैं कह दूँ जैसे रायपुर है, ठीक है ना, रायपुर। और जाति मैं ये कह दूँ जैसे मनुष्य एक जाति होती है, मनुष्य है। भाव क्रोध है, प्यार है, तो ये भाव है। यानी जो किसी राम के बारे में, किसी पेन के बारे में, किसी रायपुर के बारे में, किसी मनुष्य के बारे में, किसी क्रोध के बारे में हमें जब बताता है, तो किसी पद, वो पद जो हमें किसके बारे में बताता है, वाक्य के अंदर वो पद जो हमें क्या है, किसके बारे में बताता है, राम, पेन, रायपुर, मनुष्य, क्रोध के बारे में जो बताए, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, ठीक है, राम गाता है, ठीक है, तो गाता से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे राम है। राम क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है ना। किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति का, ठीक है। और जो व्यक्ति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो राम क्या है? एक संज्ञा है, सीधा सीधा कहूँ तो। मैं कह दूँ रायपुर एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे रायपुर क्या है? रायपुर एक स्थान है, ठीक है। और स्थान का जो बोध कराता है वो पद क्या कहलाता है? फिर संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। तो रायपुर क्या है? संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा, वो तो आगे बात करेंगे। यानी जो किसी के नाम के बारे में बताए, किसी स्थान के बारे में बताए, किसी जाति के बारे में, किसी भाव के बारे में, तो वो संज्ञा होती है, ठीक है ना। वो क्या होती है? संज्ञा होती है। तो ये संज्ञा, यहाँ से भी आपसे कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा कहाँ से जाता है? संज्ञा के भेद के बारे में पूछा जाता है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? शब्द दे दिया जाएगा, ये किस प्रकार की संज्ञा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा अगर आप कह दो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 भेद होते हैं इसके। अगर वो कह दे कुल कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल पूछे तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से जी? 3 कौन कौन से जी? 5 कौन कौन से जी? 5ों भेद लिखने हो तो कैसे लिखें? कोई नहीं पूछेगा आपसे, लिखने नहीं है, ठीक है।
एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक भेद हो गया जी, ठीक है। दूसरा भेद कौन सा होता है जी? दूसरा होता है जी जातिवाचक संज्ञा। बस एक एक शब्द से यहाँ पर पूरा कवर कर देंगे इसको, देखना। और तीसरा कौन सा होता है जी? भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हो गए आपके मुख्य भेद, ये तो क्या हो गए? मुख्य भेद हो गए, ठीक है ना। अब तीन दो भेद, जातिवाचक संज्ञा को आगे दो भागों में और भी बांटा जा सकता है, या समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? पांच भेद हो गए जी, हो जाएगा ना आराम से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह, द्रव्यवाचक, इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ, ये बाद में पढ़ेंगे, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है हमें। संज्ञा खत्म, एक एक शब्द में जो एक का बोध कराए, सिर्फ किसका बोध कराए? एक का, किसी एक होने का बोध करा रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बस बात खत्म। जो एक ना होकर अनेक का बोध कराए, समूह का बोध कराए, वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। कैसे जी बताऊंगा? जो ना तो एक का कराए ना अनेक का कराए, सिर्फ और सिर्फ आपके भाव का बोध कराए, वो होती है भाववाचक संज्ञा। बस खत्म। एक का कैसे? किसी एक स्थान का बोध करा दे, किसी एक वस्तु का बोध करा दे, किसी एक व्यक्ति का बोध करा दे, यही तो लिख रखा है पर ने, देखो खत्म कर दिया वो तो, ठीक है। स्थान, व्यक्ति और किसी के एक के बारे में जब बताता है ना, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समझना है, रट्टा नहीं मारना। यहाँ से अगर मैं रट्टा मरवाने वाली बात होती तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। खत्म, बस। तो फायदा क्या? यानी जो स्थान के बारे में बताए, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, अनेक के बारे में, यानी अनेक, इनके अंदर अनेक आ जाए, यानी अनेक के बारे में आप कह सकते हो। अनेक का मतलब तो समूह होता है जी, किसी समूह का बोध जो करा दे, जिसके अंदर एक नहीं अनेक का जिक्र हो, कोई बात कर रहे हैं उसके अंदर अनेक का जिक्र हो, किसी का नाम ले रहे हैं उसके अंदर अनेक का जिक्र हो। संज्ञा क्या है? नाम ही तो है। अनेक का जिक्र हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। जिसके अंदर भाव हो, क्या हो? भाव हो, किसी का स्वभाव हो, ठीक है ना, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। शब्द आपको याद करने लें। स्थान जैसे मैं कह दूं जी, रायपुर का जिक्र किया, चल अब जयपुर का कर लेते हैं। जयपुर क्या है? स्थान है। वस्तु मैं कह दूं जी पेन, ठीक है। व्यक्ति, व्यक्ति यानी राम, ठीक है। तो राम, श्याम, सीता, गीता, ये क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है, यानी एक का जिक्र हो रहा है कहीं पे। मैं एक का जिक्र करूं तो यानी मैं कह सकता हूं क्या? जैसे मैं जिक्र कर दूं, मान लो एक का जिक्र करना, एक 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 का। स्थान का जिक्र करता हूं मैं, चलो जयपुर का जिक्र कर लिया मैंने, तो जयपुर क्या है? एक है। मैं कह दूं राजस्थान, तो राजस्थान क्या है? एक है, ठीक है। मैं कह दूं भारत, तो ये क्या है? एक है। मैं कह दूं हिमालय, तो आप कहोगे जी हिमालय एक है, ठीक है। आप कहो जी अरावली, राजस्थान की मशहूर अरावली एक है। मैं कह दूं जी गंगा, तो आप कहोगे जी एक नदी है, ठीक है। यानी एक का जिक्र कर रहा है, एक पर्वत हिमालय है, एक पर्वत पर अरावली है, एक देश भारत है, एक राज्य राजस्थान है, एक शहर जयपुर है, ठीक है। यानी जो एक का के बारे में बताए, मैं कह दूं पृथ्वी एक ही है, ठीक है। मैं कह दूं चंद्रमा एक ही है। मैं कह दूं आपको, लिखना नहीं है ठीक है ना, सूर्य एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह दूं बुध एक ही ग्रह, ठीक है ना। मैं कह दूं शुक्रवार, वार का जिक्र कर दूं, एक ही वार है। शनिवार, सारे के सारे वार एक ही वार है। महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक ही है, ठीक है ना, महीना तो एक ही है ना। अब यहाँ पर जब जाति का मतलब अनेक कैसे हुए? मैं कह दूं जी पर्वत, आप कहोगे जी पर्वत कौन सा पर्वत? अनेक पर्वत, ठीक है ना। कौन से पर्वत भाई? अनेक पर्वत। किस पर्वत का जिक्र? हमें पता ही नहीं। पर्वत क्या एक जाति है, उसके अंदर अलग अलग पर्वतों को नाम दिया गया, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी, अलग अलग जगह अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पता है ना। सतपुड़ा, तो कहा महादेव। तो पर्वत क्या है? पर्वत एक समूह है, ठीक है ना।
उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पर्वत आते हैं, तो पर्वत के अंदर सारे पर्वतों का जिक्र हो रहा है। मैं कह दूं देश, तो अब देश कौन सा, सभी देशों का जिक्र हो रहा है, अब सभी देशों का जिक्र हो रहा है, तो एक देश नहीं है, सभी देशों, जिसके अंदर सारे देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सारे आ जाते हैं ना। जब मैं कह दूं महाद्वीप, तो महाद्वीप, सारे महाद्वीप का जिक्र हो रहा है। मैं महाद्वीप के अंदर एक स्पेशल नाम ले दूं, एशिया, यूरोप, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण, तब हमारा जिक्र क्या होगा, पर्वत, देश, महाद्वीप। अगर मैं ये कहूँ एशिया, तब तो व्यक्तिवाचक है, महाद्वीप यानी सारे महाद्वीपों का जिक्र हो रहा है, तो वो क्या है, जातिवाचक है। मैं कह दूं मनुष्य, तो आप कहोगे मनुष्य यानी पूरे जितने भी अच्छे, राम, सीता, गीता, लक्ष्मण, ठीक है ना, भूरी, बतेरी, बस्करी, ठीक है, सब आ गए इसमें, काला, धोला आ गया ना सारे के सारे, तो मनुष्य है। लड़का, तो लड़का एक जाति जिसमें सब लड़के आ गए, लड़की सब आ गए, ठीक है ना, और ग्रह, तो सब ग्रह आ गए, उपग्रह, सब उपग्रह आ गए, तो इस प्रकार के जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, हम जिसके अंदर एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं कह दूं उपग्रह, कौन सा उपग्रह, मैं कह दूं ग्रह, कौन सा ग्रह, मैं कह दूं पृथ्वी, आप कह सकते हो कौन सी पृथ्वी, मैं कह दूं मंगल ग्रह, मंगल, आपको कौन सा मंगल, मंगल तो एक ही है, अब वही नहीं पता तो मूर्ख ही हो, ठीक है ना, तो मतलब उपग्रह ग्रह, बाकी आप इंटेलिजेंट हो, आराम से समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर सारी चीज़ें कर दो जितनी हो सके आपसे भैया, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, वाइक सब कुछ कर दो जितना हो सके, क्लियर हो जाना चाहिए बस, ठीक है। तो ये उपग्रह हो गए, जैसे कुछ चीज़ें ये अभी भाववाचक बना दूँ, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन और भी कर देते हैं, उपग्रह सब आ गए ना। जैसे नदियाँ, तो आप कहोगे कौन सी नदियाँ, मैं कह दूँ जैसे जयपुर क्या है, एक शहर, ठीक है ना, तो शहर, कौन सा शहर, कौन सी नदी, ठीक है ना, कौन सी नदी, कौन सा उपग्रह, कौन सा, जिसके आगे आप कौन सा लगा सको, या अनेक की बात कर रहा हूँ, आपको समझ लेना है इसके अंदर सारी बातें जिक्र कर रहे हैं, सभी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुक जाओ भैया, चर पर नाय हो जाए कहीं पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हो गया। अब कोई व्यवसाय का जिक्र है या किसी का पद है, जैसे पद है, तो पद के अंदर भी क्या आ जाते हैं, सारे के सारे, जैसे डॉक्टर साहब है, आपके डॉक्टर हैं, वकील हैं, कलर्क हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक। कलर्क क्या है, एक जाति है, वहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी बैठती होगी, काम करती होगी, क्ले वकील, कौन सा वकील, डॉक्टर, अनेक डॉक्टर हैं भाई डॉक्टर के अंदर, तो ठीक है ना, कलर्क है, कोई और किसका नाम ले सकते हो आप यार, ठीक है, शिक्षक है, ठेकेदार है, अलग अलग बहुत से हो गए भाई, ठीक है, शिक्षक है। अब मैं कह दूं भी कोई मास्टर, किसी का नाम ले दिया भी, वो मास्टर, तो वो शिक्षक, यानी उसका नाम लेने पर तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन शिक्षक कौन सा शिक्षक भाई, अनेक प्रकार के शिक्षक हैं, ठीक है। अब देखो मैं कह दूं कोई संबंध है, जैसे रिलेशन आपके जो है, वो दादा है, कौन सा दादा भाई, दादी है, ताऊ है, ताई है, मामा है, मामी है, ठीक है, तो ये रिलेशन सारे के सारे किसमें आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। व्यवसाय कर लो कोई, पद कह रहा हूं मैं, ये व्यवसाय था, ठीक है, ये है पद। देखो पद के बारे में बता देता हूँ मैं, जैसे SDM आपने सुना होगा, वीडियो आपने सुना होगा, कौन कौन से वीडियो, ठीक है ना, ये पद है मान लो, ठीक है, SI कर लो आप, SHO कर लो, ये पद है। तो पद सारे के सारे जितने भी होते हैं वो किसमें, जातिवाचक के अंदर, कितने SHO हैं उसके अंदर, SHO एक श्रेणी है भाई, ठीक है ना, एक पोस्ट है। उसके बाद आप जैसे कोई प्राकृतिक आपदा कर लो आप, आपदा, तो वो क्या, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, तो ये सारे क्या है, ये जातिवाचक है बस। इससे ज़्यादा जातिवाचक में क्या पूछा जा सकता है भाई आपसे, संबंध प्राकृतिक पता, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, कुर्सी, मेज, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं जातिवाचक में। अब पढ़ते हैं भाववाचक, भाववाचक, ठीक है, स्पीड से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं। भाव जिसके अंदर आ जाए, यानी आपका क्रोध आ जाए, जिसका क्रोध का जिक्र हो, गुस्सा, ठीक है ना, प्यार, लगाव,
अमीरी, गरीबी, ठीक है। तो ये भाव, जिसके अंदर भाव छुपा हो, जिसको आप देख नहीं सकते, सीधी सी बात है, यानी जातिवाचक, और ये तो हो गई, यानी आप इनको तो देख सकते हो ना, कलर्क को देख सकते हो, शिक्षक को देख सकते हो, दादा परदादा, एसडीएम, वीडियो वाले सबको देख सकते हो ना भाई, ठीक है ना। तो ये तो है, इनको देखा नहीं जा सकता, तो आप कह सकते हो जिनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, महसूस, फील किया जा सकता है, फीलिंग्स, भाव, स्वभाव, क्रोध, ठंडा, मीठा, ठंड, जैसे मैं कह दूं ठंडा, शीतल, शीतल नाम नहीं है लड़की का, यहाँ शीतल मतलब ठंडा पानी, गर्म, तो इसकी तासीर सुंदर, ठीक है। ये क्या भाव हैं, किसी के भाव, आप सुंदर दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। तो शब्द कैसे प्रयोग किया गया है, वो शब्द का अर्थ वहीं पे बदल जाता है, कुछ चीज़ ऐसे भी है, जैसे मैं कह दूँ हरीशचंद्र, ठीक है ना, मैं कह दूँ हरीशचंद्र, तो आप कहोगे जी हरीशचंद्र, हरीशचंद्र तो व्यक्तिवाचक है, एक ही बात है। मैं कह दूँ आजकल हरीशचंद्र नहीं मिलते, यानी मैंने एक जाति बना दी उसकी। कई शब्द ऐसे हैं जो मोटे मोटे नाम रहे हैं जिनके, हरीशचंद्र किसका प्रतीक रहा है, सच्चाई का प्रतीक रहा है, ठीक है ना, क्या रहा है, सच्चाई का प्रतीक रहा है, ठीक है। तो सच्चाई, वहाँ पर सच्चाई का प्रतीक माना गया, तो एक जाति आ गई वहाँ पे। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको बदला भी जा सकता है, जिसके अर्थ बदले जा सकते हैं। जाति, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाया जा सकता है, जातिवाचक को भाववाचक बनाया जा सकता है, किस प्रकार बनाया जा सकता है, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भाववाचक हो गया। अब आपके दो और बच गए, बस कुछ नहीं है उसके अंदर, तो दो तो वो जातिवाचक ही हैं, जातिवाचक के दो भेद बच गए आपके, उनका नाम है, क्या नाम है जी, समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, जिसके अंदर समूह का जिक्र हो, जैसे, ठीक है तो जाति, जाति के अंदर भी तो समूह का जिक्र है, यानी इसके ही तो प्रकार है, तो समूह का जिक्र होगा, यानी अनेक का जिक्र होगा, क्या होगा, अनेक का जिक्र होगा। तो अनेक के अंदर, यानी कोई भी, जैसे मैं कह दूं समूह या वर्ग के बारे में जिक्र करें, सफेसल जातिवाचक से बाहर निकाल लो, अब जातिवाचक के भी अलग अलग भेद डाल दिए मान लो, जातिवाचक के भी अलग अलग भेद डाल दिए मान लो, ठीक है, दो भेद डाल दिए, तो दोनों अलग अलग, जो ज़्यादा समूह और वर्ग का जिक्र करें तो उसे हम जातिवाचक, यानी किसको कहते हैं, जैसे परिवार, क्या है, सदस्यों का आपके समूह है ना परिवार। मैं कह दूं सेना, तो आप कहोगे फौजियों का समूह, उसको सेना कहते हैं। मैं कह दूं पुलिस, ठीक है ना, राज्य स्तर पर जो, या मतलब आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक सिपाहियों का जो दल है, उसको हम पुलिस कहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे पुलिस हो गया आपका, सेना हो गया आपका, जैसे संसद, एमपीओ का ग्रुप, पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी जो होते हैं, उनका समूह को हम संसद बोल देते हैं, वहाँ जो बैठते हैं, ठीक है। पुलिस हो गया आपका, जैसे कर्मचारी, काम करने, बराती, बरात, बरातियों का समूह, ठीक है। मेला, झुंड, ये क्या है, समूह तो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं यार, झुंड हो गया आपका, गिरोह हो गया, यानी शरारतियों का टोला, डाक, तो ये क्या है, सारे के सारे समूहवाचक है, जिनमें समूह का जिक्र है, क्या है जिक्र है, जिनमें समूह का जिक्र है, तो वो क्या हो गए, समूहवाचक हो गए। और एक द्रव्यवाचक, कुछ भी तो नहीं है द्रव्यवाचक में यार, ये ख़त्म हो गया द्रव्यवाचक नाम लिखते ही, ठीक है। द्रव्य का मतलब पदार्थ, जहाँ पदार्थ का जिक्र है तो वो क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। जिसको माप सकते हैं हम, जिसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक है, माप तोल सकते हैं, यानी किलो लीटर में, किलो लीटर में जिसको मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट जिसका हो सकता है, वो क्या है, द्रव्य, यानी ठोस, द्रव, द्रव्य क्या है, पदार्थ, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, तरल, ठोस है, ठोस, तरल और गैस, ठो पांच होती है फिजिक्स के अंदर भाई साहब, बहुत बात ये लगे, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जैसे आपने देखा होगा तरल, ठोस और गैस, तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से, ठीक है। जिसको मापा तोला जा सकता है, यानी गैस, तेल, ये सबको मापा तोला जा सकता है। तरल जैसे आप कहोगे तेल जी, तेल क्या है, मापा तोला लीटर में मापते हैं, ठीक है। तेल के बाद आप घी ले लो जी, ठीक है, दूध ले लो, मक्खन, ये क्या है, इनको तोला मापा जा सकता है, तरल है लीटर में मापते हैं मान लो, ठीक है। ठोस है जैसे लोहा ले लो,
पीतल, तांबा तोला जा सकता है इसको, ठीक है। जैसे आप कह दो जी चावल, चाय, चीनी, ठीक है, अदरक, मसाले सारे के सारे मान लो, तो जिनको तोला जा सकता है। मसाले के अंदर नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे, हल्दी, मिर्च, तो इनको तोला जा सकता है भाई, मापा जा सकता है, उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं। गैस के अंदर आप ले लो, चाहे सीएनजी ले लो, एलपीजी ले लो, ठीक है, तो ये गैस है। ऑक्सीजन ले लो, तुम लीटर में मापी जाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये द्रव्यवाचक है, जिसको द्रव्य का जिक्र हो रहा है, मापा तोला जा सकता है उसको द्रव्यवाचक, जिनमें समूह का जिक्र है वो समूहवाचक, समुदायवाचक, परिवार, सेना, पुलिस, कर्मचारी, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा, समूह है यार, ग्रुप है किसी का, ठीक है ना। जिसमें एक का जिक्र हो रहा हो व्यक्तिवाचक, अनेक का जिक्र हो रहा हो जातिवाचक, यानी एक के बारे में स्पेसिफिक बता दे भी ये है वो आदमी, ठीक है ना, तो उसका हम जिक्र कर सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक है। जैसे जयपुर एक है, राजस्थान एक है, पृथ्वी एक है, भारत एक है, हिमालय एक है, अरावली एक है, गंगा एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, बुध एक है, शुक्र एक है, शनिवार एक है, जनवरी एक है, फरवरी एक है, ठीक है ना। तो बार बूर हो गए आपके, तो वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं, जो एक होने का बोध करा रहा है वो व्यक्तिवाचक है। अनेक यानी बहुवचन जिसका बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एक का कोई जिक्र नहीं है, पूरा का पूरा समुदाय या समूह को लेके आ रहा है, ठीक है ना, पूरी की पूरी जाति को लेके आ रहा है, जाति यानी पूरी जाति, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अनेक जातियां, यादव है, गुज्जर है, जाट है, अलग अलग, जैसे हम मैं जिक्र करूँ मान लो किसी गुज्जर का, तो गुज्जर कितने गुज्जर हो सकते हैं भाई उसमें, ठीक है ना, पूरी जाति के बारे में। मैं कह दूँ राम कुमार, तो राम कुमार एक का जिक्र है, व्यक्तिवाचक, गुज्जर है पूरी जाति का, ठीक है ना, जो कितने गुजर हैं पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो जाति का बोध कर रहा है, तो ऐसे याद कर लो आप। पर्वत कौन सा पर्वत, देश, महाद्वीप, कितने महाद्वीप होंगे, मनुष्य कितने होंगे, लड़का लड़की कितने होंगे, ठीक है, ग्रह उपग्रह कितने होंगे, नदी शहर कितने होंगे, ठीक है ना, डॉक्टर कितने होंगे, वकील कितने होंगे, कलर कितने होंगे, शिक्षक कितने होंगे, दादा दादी, दो दो, ताऊ ताऊ, SDM, अलग अलग पद, ये सारे जातिवाचक में आते हैं, और ये भाववाचक की तरह भाव, क्रोध, गुस्सा, ठंडा, मीठा, ठीक है ना, तो वो भाववाचक आते हैं। तो ये संज्ञा है भाई, खत्म हो गई हमारी संज्ञा, एक क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, समझ आ गया होगा, आराम से छांट लोगे आप। तो ये संज्ञा थी, ठीक है, इस तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो के अंदर कवर करने की सोचेंगे, हर टॉपिक को भी जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, आपके क्वेश्चन भी सारे सही हो जाएं और आपका फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे। मैं चाहता हूँ भी आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आया है, अगर इसी तरीके की वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए आए हैं तो, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको फायदा होता रहे, ठीक है। और ज़्यादा थोड़े लाइक आते हैं, थोड़े व्यू बढ़ते हैं, तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम चीज़ों को एनर्जाइड होके यानी एनर्जी के साथ बना सकें, ठीक है। हमें लगता है भी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है या बच्चों को जो पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है, तो उससे हमें ज़्यादा दोबारा इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से हम काम करते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करें।